हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अनीता जी के किचन में। आज हमारे किचन में, सोच रहे होगा खेत में आई हूँ तो कुछ बन रहा है, लेकिन आज हमारे किचन में क्या बनेगा वो स्पेशल है। गर्मियों का मतलब मान के चलिए तोहफा है, आइसक्रीम खाना किसको पसंद नहीं है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों अंगूर से आइसक्रीम। वैसे तो खेतों में इस टाइम बहुत सारा सब्जियाँ हैं, अंगूर भी इस टाइम बहुत सस्ता आता है, तो अंगूर का कोई भी आप डिश बना के खा सकते हैं। और अंगूर तो ऐसे हम लोग खाते ही हैं, उसका आइसक्रीम बना के खाएंगे तो देखते हैं कैसा लगता है। तो चलिए बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं कि कैसे हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अंगूर का आइसक्रीम बनाने के लिए हम अंगूर ले लिए हैं। तो ये पका पका बिल्कुल अंगूर है, मीठा अंगूर है। इसको हम ना अच्छा से पानी में डाल के धो लेंगे। इसमें बहुत से पाउडर लगा रहता है, इसको अच्छा से धोने के बाद में इसको हम अलग अलग कर देंगे। जितना भी अंगूर है इस तरीके से इसका डंठल जो है ना इसको हटाएंगे, और उसके बाद इसको मिक्सी जार में एक कप पानी डाल के पीस के फिर आपको दिखाती हूँ कि हमें कैसे आइसक्रीम बनाना है। एक जार में डाल लेते हैं। वैसे अंगूर में जूस होता है तो पानी थोड़ा ही डाल के पीसे, आधा कप के करीब, और ये पीस जाएगा आराम से। यहाँ पे एक पिंच हम फूड कलर डाल रहे हैं कि जिससे ना हमारा अंगूर का कलर और बढ़िया आएगा आइसक्रीम में। एक कढ़ाई में हम मिश्रण को डाल रहे हैं, अंगूर का पेस्ट है, और थोड़ा इसमें पानी भी डाल रहे हैं, मतलब एक कप पानी हम इसमें मिला दे रहे हैं अभी ही। यहाँ पे खाने वाला चम्मच से दो चम्मच अरारोट लिए हैं, इसको एक कटोरी पानी में घोल लेते हैं। रानी नीचे बैठ जाता है अरारोट, तो अरारोट को हम इसी में मिक्स करेंगे। 6 चम्मच चीनी लिए हैं, 250 ग्राम हमारा अंगूर था। आप अपने मीठे के अनुसार थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं थोड़ा मीठा ही करूँगी। अब हम चूल्हे पे इसको चढ़ा देते हैं। अब इसको लो मीडियम आँच पे हम इसको पका लेंगे 5-6 मिनट। अब देखिए इसको चलाते हुए ही हमें 5 मिनट तक पकाना है। ये धीरे धीरे ना गाढ़ा होने लगेगा और मतलब उबाल भी आने लगेगा। ये देखिए अंगूर का पेस्ट में उबाल आना स्टार्ट हो गया है और ये गाढ़ा होना भी स्टार्ट हो गया। आप चाहें तो इसमें कोई सा भी फ्लेवर डाल सकते हैं, जैसे वनीला एसेंस है, जो भी आपको मैंगो फ्लेवर पसंद हो, लेकिन ये अंगूर का फ्लेवर में बनेगा इसलिए मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ। अब देखिए ये पक चुका है, इसमें उबाल आ गया एक बार, और ये इतना गाढ़ा है, मतलब लिक्विड होना चाहिए, ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ये करछी छोड़ देगा आपको, देख रहे हैं। ये देखिए तो बस ऐसे ही हमें उतार लेना है नीचे और इसको ठंडा करना है, ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब हमें आँच का काम नहीं है तो चूल्हा कर देते हैं बंद। यहाँ पे देखिए हम आइसक्रीम मोल्ड लिए हैं, तो इसमें ना थोड़ा सा हम ये मगज है खरबूजे का बीज ये डाल लेते हैं। आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। दो में मैं काजू डालूंगी इस तरीके से छोटा छोटा करके, आप इस तरीके से दो पीस करके भी काजू डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लुक आएगा। अब मिश्रण हमारा ठंडा हो गया, इसमें भी थोड़ा सा हम डाल लेते हैं खरबूजे का बीज। आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। अब हम एक करछी के हेल्प से मिश्रण को डालेंगे। देखिए इसमें काजू ऊपर आ गया है, यानी कि बहुत खूबसूरत लगेगा। तो आपका आइसक्रीम है, आपको देखना है कि किस तरीके से इसको डेकोरेट करना है। मैं अब इसमें इसका ढक्कन मोल्ड लगा दूंगी। अब इसको 4 से 6 घंटा के लिए फ्रिज में रख देते हैं। छोटे बच्चे हैं तो बार बार फ्रिज को खोल के देखे ना है, 6 घंटा के बाद ही मिलेगा आपको आइसक्रीम। ये आइसक्रीम ना इतना हेल्दी है, इतना टेस्टी है कि आप बार बार इस तरीके से बना के खाएंगे इस गर्मी। तो चलिए इसको जमा लेते हैं, फिर कल मिलते हैं बच्चा पार्टी में। तो दोस्तों ये जो हमारा फ्रिज है ना ये छोटे साइज का है, इसका स्टिक नहीं आ रहा। जैसे तैसे मैं एक मोल्ड में आधा आधा
करके मैं जमाई थी, इसका डिजाइन अच्छा था इसलिए मैं सोची थी इसमें जमाऊंगी, पर अब मेरे को दूसरे में जमाना पड़ेगा। यहाँ पे इस तरीके का छोटे छोटे गिलास लिए हैं, इनमें मैं सोच रही हूँ ट्रांसफर करके जमा लूँ, नहीं तो ऐसा जो ट्रे है बर्फ जमाने वाला इसमें भी आप बना सकते हैं। हमारा जैसा अगर छोटा फ्रिज है तो दोनों काम कर सकते हैं आप। जम जाना, इसको फॉइल पेपर से कवर करके फिर जमा ले। बच्चा पार्टी जे जे आइसक्रीम खाई 10 रुपया निकाली, 10 रुपया ली हो बिहान है यही बिरा ले आइसक्रीम जमोले वाली हम देखो ले। प्लेट 10 रुपया देव न, सब कोई दी दे दस। एगो प्लेट ले आई, दूगो प्लेट ले आई, ठंडा करो तनी आइसक्रीम के हुल 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 ठंडा कर तनी। आय बाप निकलत न के का ठंडा न के भइल त खाउ, ठंडा होता न त खाइ खाइ जाई। हां निकलि, हां निकल निकल जा, ई के द बुल बुल निकलत निकल जा निकल जा निकल जा। हई देखो केता आराम से निकलता, खाली दबा देता नी सो बात के ओए से निकल, ए से निकल गोल मम्मी हाथी गरम हो जाता है, हमरो हाथ भी गरम हो जाता है, मीट खूब लागत है ना गोल हम लो लो एक डाल दे, एक डाल दे, दो डाल दे, इधर पौने को तो डाल दे, खा के तो आऊंगा, इधर कर खत्म कर दो, करा के खाए तो बचेगा। ये कुल्फी जैसे हो गई बाजी, काची के होला लगी, बताओ काची का, तू बताओ काची का, बताए काची का बताओ। अंगूर का बताओ लो, अंगूर का में नहीं खेला लीजिए, देता नहीं है निकले तो दोल जैसे तैसे करके जमाई बच्चा जैसे दाक रहे हैं, कुल्फी जैसे भइल बना, मतलब अच्छा लग रहा, टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मतलब जैसे बर्फ जम जाता है ना तो जल्दी निकलता है ना, थोड़ा पिघलने लग रहा है। हम ले लेते दूध में डाल के और पोसे टिकड़े, दूध में डाल के दूध में जमा दे, गाय के दूध में, खाने में तो बड़ा टेस्टी है, हैं और ये कुल्फी जैसा लग रहा है। ए तारो मुर्गा उड़ा, मुर्गा मुर्गा उड़ा तारी सो उड़ा तारी,
काची में उड़ा तरी से तीन गो दिया कटोर में धरले वाली सन उड़ा का गो बारे सन तीन गो एक गो एक गो मु गई मु गई कुतो मु आ गई अपने आप मु गई ये गो तो सोनी को अपने मु गला दुगो तो बिजाई छक इस वाले में बनाई थी तो निकलने में दिक्कत हो रहा था दोस्तों, और ये जो कुल्फी ट्रेल जैसे इसको दबा दबा के निकालने वाला में आराम से निकल रहा था, तो आप इसमें ही जमाइएगा तो कुल्फी जैसा टेस्ट आएगा। मुझे तो हमारा तो फ्रिज भी छोटा है। हाँ, तो हमारा छोटा वाला फ्रिज था तो ये तो हट ही नहीं रहा था, बड़ा मुश्किल से जैसे तैसे घुसाई थी मैं, लेकिन इसमें परफेक्ट निकालने में दिक्कत हो रही है। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा।